जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था मुझे लगा कि अरे यार इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं. सो इट्स लॉट ऑफ फन, देर इज लॉट ऑफ फन इन द एंटायर शो. इट्स अ वेरी मतलब बहुत फनी लेवल पर, ह्यूमरस लेवल पर इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है. जब सीरियस काम करते हो तो आप थोड़ा सा यू नो उस माहौल में रहते हो, फिर जब आप ऐसी फिल्म्स करते हो तो आप डिफरेंट माहौल में रहते हो. तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट मसाला एंटरटेनर है, तो मुझे था कि मैं करूँ. एंड सेकेंडली ऑब्वियसली ऑल्ट बालाजी, बालाजी एंड Z5 दोनों के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ और दोनों इस बार फिर से हैं, तो दैट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अमेजिंग कास्ट एंड इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. इतने सालों से मैं बालाजी के साथ एसोसिएटेड हूँ, उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा है. आप यूनिट में पहुँचने से पहले आपको पता है कि मतलब सारे दोस्त यार, सारे टेक्नीशियंस वही लोग होंगे जो इतने सालों से आपसे मिल रहे हैं. कुछ कुछ लोग नए आते हैं, कुछ कुछ ये होता है. सो जो कम्फर्ट फैक्टर है ऑल्ट के साथ, वो सब करने में ऑब्वियसली इट रियली रियली हेल्प्स. शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि टिशू से डायरेक्शंस भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है एकदम से, बट मज़ा आया. जैसे कि मैंने बोला टिशू सर और बाकी पूरी कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और टिशू सर के साथ हमेशा मैं आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम ऑल द टाइम. ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज अ वेरी फाइन टेक्नीशियन. आई थिंक ही इज वन ऑफ द गिने चुने टेक्नीशियंस में से इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. एंड ऑब्वियसली गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड लव टू वर्क विद हिम, बट एज अ को एक्टर ऑल्सो जो मज़ा है उनके साथ काम करने में इट्स अमेजिंग. शुक्र है आपने बोला है ये वाली बात कि अलग अंदाज में नजर आ रही है. वाकई अलग अंदाज है, हाँ, बिकॉज ये सिंपल हाउस वाइफ है और और पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती है, अपने उसका अपना पति को धर्म मानती है और घर को फिक्स करती है, तो उस तरह का ये कैरेक्टर है. मतलब बाकी सब बहुत दिग्गज दिग्गज फिक्सर है, ये छोटी सी फिक्सर है. राशन के लाइन से लेकर, स्कूल के फीस से लेकर, एडुकेशन से लेकर, ट्रेन में घुसने से लेकर, हर चीज़ में फिक्स की ज़रूरत पड़ती है. ये होता है कि अलग लेवल का फिक्स होता है. फिक्स सब करते हैं. आपने भी अपना इंटरव्यू पहले कराने के लिए कुछ तो फिक्स किया होगा. तो डिपेंड करता है कि किस ग्रेड और किस लेवल का फिक्स है. मैं बहुत चीज़ें फिक्सिंग कर लेती हूँ, भैया भैया प्लीज़ कर दो, ये काम कर दो प्लीज़ कर करके. जैसे मैं जब मैं चंडीगढ़ में थी तो कॉलेज में पढ़ती थी, तो हम ट्रिपली मारते थे, ट्रिपली का चलान होता है, अलाउड नहीं होता. तो मैं अंकल्स को बोल के कि आज हमारा बर्थडे, प्लीज़ अंकल जा रहे तो छोड़ दो ना प्लीज़. तो वो सब मैंने बहुत फिक्स किया. सो ट्रैफिक कॉप्स का मैंने बहुत फिक्स किया. The log, yes, cast. They were amazing. I think the last 2 days जो हम लोगों ने, because पूरी cast वहाँ थी जो हमने enjoy किया उसे, it was amazing. Picnic हो रही थी, मतलब picnic के बीच में footage निकल गया.